हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ। और दोस्तों, मेरे माइंड में एक ख्याल आया। दोस्तों, मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था जिसमें ना जो है मैंने ब्लीचिंग पाउडर को दोस्तों जो है डेटोल में मिलाया था। और जब मैंने इसको डेटोल में मिलाया दोस्तों, तो जो है डेटोल का पूरा कलर जो है गायब हो चुका था। यानी कि डेटोल नॉर्मली दोस्तों वाइन कलर का होता है, लेकिन उसको जब मैंने उसमें इसको मिलाया तो वो जो है थोड़ा सा मिल्क शेक की तरह हो गया दोस्तों। यानी कि उसका जो है कलर उड़ गया। जी हाँ दोस्तों, आज मेरे माइंड में एक ऐसा ख्याल आया दोस्तों, मैंने सोचा कि अगर हम इस ब्लीचिंग पाउडर को इस पेट्रोल के अंदर मिला देंगे तो क्या होगा। जी हाँ, जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो ब्लीचिंग पाउडर है वो जो है सभी कलर को उड़ा देता है। तो आज यही देखने वाले हैं कि जो है उस ब्लीचिंग पाउडर को इस पेट्रोल के अंदर मिलाएंगे और फिर देखते हैं कि ये पेट्रोल का कलर उड़ा पाता है या नहीं उड़ा पाता है, या फिर पेट्रोल का कलर कैसा हो जाता है। दोस्तों, आप इस कमाल के आईडी के लिए जो नीचे का लाइक का बटन है उसे जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास जरूर से शेयर कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको इस वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं दोस्तों, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर से प्रेस कर देना है। तो चलिए इस कमाल के एक्सपेरिमेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कमाल का रिएक्शन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसके अंदर जो है ब्लीचिंग पाउडर को डालते हैं। एंड 3, 2, 1, इसको मैं जल्दी से मिक्स कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ कि क्या होता है। वाह यार, अभी से ही दोस्तों आप देख सकते हैं, अभी से ही रिएक्शन दिखना आपको स्टार्ट हो गया होगा। तो इसको मैं अच्छे से मिला लेता हूँ दोस्तों, और अगर ब्लीचिंग पाउडर कम पड़ जाए तो फिर मैं इसके अंदर फिर से इसको ऐड कर दूंगा। पहले तो इसको अच्छे से मैं मिला लेता हूँ। करो दोस्तों, देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे रिएक्शन आपको दिखना स्टार्ट हो चुका होगा, और पेट्रोल का कलर बहुत ही फेड आपको लग रहा होगा दोस्तों, हल्का हो चुका है इसका कलर। जो कि थोड़ा सा लाइट था दोस्तों, यहाँ से डार्क था, वो लाइट कलर हो चुका है, हल्का हो चुका है। तो उसको मैं और भी मिला लेता हूँ और देखता हूँ कि पेट्रोल का कलर पूरा तरह से उड़ता है या फिर जो है नॉर्मल ही रहता है। तो भाई देख सकते हैं, यहाँ से मैंने इसको मिक्स किया, और यहाँ पे मिक्स करने के बाद दोस्तों अभी जो पेट्रोल का कलर है वो बहुत हद तक जो है चेंज हो चुका है। मैं आपको जो है रियल वाला ओरिजिनल वाला पेट्रोल होता है दोस्तों, जो पहले होता है, देख सकते हैं इसका जो ओरिजिनल कलर है कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कलर जो है दोनों पेट्रोल में जो कलर का डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। जी हाँ, आपको यहाँ पे ये जो है पूरा जो है आपको डार्क दिख रहा होगा, और यहाँ पे देख सकते लाइट हो गया दोस्तों। तो इस पर चलिए थोड़ा सा और जो है ब्लीचिंग पाउडर को ऐड करते हैं और फिर देखते हैं कि ये जो यहाँ पे ये जो इसमें इसका जो कलर है वो और ज़्यादा फेड होता है या नहीं होता है। तो चलिए इसके अंदर और भी ऐड कर देते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। चलिए इतना ऐड करते हैं भाई। और दोस्तों देख सकते हैं, मुझे ऊपर से दिख रहा है यार कि जो यहाँ पे ये जो इसका कलर और भी ज़्यादा फेड हो चुका है दोस्तों। अभी आप देख सकते हैं पूरा इसका कलर उड़ चुका है दोस्तों, और यहाँ पे बहुत ही हद तक इसका कलर वाइट जैसा हो रहा है। यानी कि दोस्तों इसका जो लाइट हो चुका है कलर, तो इसको मैं और अच्छे तरीके से मिला लेता हूँ। अगर मैं आपको बगल से दिखाऊं तो देख सकते हैं बगल से आपको कुछ इस तरह का जो देखने को लग रहा है ये जो पेट्रोल। ये कोई भी देख के एक बार में नहीं बोल सकता कि ये पेट्रोल ही है, सिर्फ स्मेल से दोस्तों पेट्रोल जैसा लग रहा है, लेकिन देखने में बिल्कुल भी ये पेट्रोल के जैसा नहीं लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, कुछ सेकंड तक, कुछ मिनट तक वेट करते हैं, फिर देखते हैं कि ये कलर चेंज होता है या फिर इतना में ही रुक जाता है। तो भाई आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने कुछ देर तक वेट किया और इसका जो कलर दोस्तों ऑरेंज जूस के जैसा हो चुका है। देख सकते हैं बहुत ही जो है पेट्रोल का कलर से एक जरा भी मैच नहीं कर रहा है दोस्तों। मैच कर रहा बट उतना ज़्यादा मैच नहीं कर रहा दोस्तों। तो चलिए, अब मैंने सोचा कि इसके अंदर जो भर के एक चम्मच में जो है ब्लीचिंग पाउडर को मिला ही देता हूँ, उसके बाद दोस्तों देखता हूँ कि इसका कलर में कितना चेंजेस आता है। दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अब चम्मच में भर के लिया हूँ, और इसके बाद में इसके अंदर जो मिक्स करता हूँ, फिर देखता हूँ कि इसका जो कलर है वो चेंज होता है कि नहीं होता है, या फिर ये कौन जीतता है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर जीतता है या फिर पेट्रोल जीतता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यार, मैजिक हो चुका है, और यहाँ पे जो है दोस्तों पेट्रोल का पूरा कलर गायब हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों जो है पेट्रोल का जो कलर नॉर्मली कैसा होता है। आप देख सकते हैं पेट्रोल का कलर कुछ इस तरह का होता है, और अभी आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही ज़्यादा जो है इसमें मिलाया दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर, इसका पूरा जो है कलर गायब हो चुका है। जी हाँ, अब मैं फिर से वेट करता हूँ दोस्तों, देखता हूँ कि ये दोबारा से फिर अपना कलर में आता है या फिर ऐसा ही रहता है। क्योंकि दोस्तों मैंने पिछला बार वेट किया था तो थोड़ा ज़्यादा फेड हुआ था, लेकिन मैं वेट किया तो कुछ फिर से थोड़ा सा जो है ऑरेंज कलर का हो गया था। तो फिर चलिए वेट करता हूँ, फिर देखता हूँ कि इसका जो कलर है वो चेंज होता है या वैसा ही रहता है। तो भाई आप देख सकते हैं, अभी यहाँ से मैंने जैसे इसको छोड़ा दोस्तों, मिलाना बंद कर दिया, तो यहाँ पे जो पेट्रोल का कलर है वापस आ रहा है दोस्तों। और यहाँ पे नीचे आप ध्यान देते तो नीचे में आपको एक लेयर बना हुआ नजर आ रहा है, ये जो है ब्लीचिंग पाउडर, और ऊपर में जो आपको लेयर दिख रहा है ये जो है पेट्रोल का है। और दोस्तों देखते, मैंने यहाँ पे जैसे इसको मिक्स करना बंद किया तो ये जो है पेट्रोल का कलर फिर वापस आ चुका है।
दोस्तों इससे कंक्लूजन निकलता है कि ये जो पेट्रोल है दोस्तों, जो ब्लीचिंग पाउडर है, वो पेट्रोल का कलर कभी भी नहीं उड़ा पा रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें जो है डेटॉल का कलर इसने पूरी तरह से उड़ा दिया था, लेकिन पेट्रोल का कलर ये नहीं उड़ा पा रहा है। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पेट्रोल का कलर है दोस्तों, वो चेंज तो हुआ बट उतना चेंज नहीं हुआ। और यहाँ पे जो है नीचे आपको एक लेयर नज़र आ रहा होगा व्हाइट व्हाइट कलर का, ये जो लेयर है दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का लेयर है, और ऊपर में आपको पेट्रोल दिख रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं भी हैरान हो गया यार, मैंने सोचा कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो हर एक चीज़ का कलर फेड कर देता है, उड़ा देता है, लेकिन पेट्रोल में जो है वैसा नहीं हुआ। पेट्रोल जो है अपना पावर जो है दोस्तों दिखा दिया, और पेट्रोल अपना कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। और अभी मैं आपको एक बार और दिखा देना चाहता हूँ, देख सकते दोनों पेट्रोल का कलर में थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है दोस्तों, ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है, और जो है इस तरह से जो है पेट्रोल का अपना जो है थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया है। तो चलिए दोस्तों अब इसको जो है जला के देखते हैं, और फिर देखते हैं कि ये जलता है कि नहीं जलता है। तो भाई आपने देखा, हमने जो इस पेट्रोल में आग भी लगा के देखा, और जो कि नॉर्मल तरीके से जो है जल रहा था, यानी कि जो पेट्रोल में कोई भी फर्क नहीं हुआ दोस्तों, थोड़ा सा इसका जो कलर है वो फेड हुआ था। तो दोस्तों यही होता है जब हम पेट्रोल के अंदर ब्लीचिंग पाउडर को मिक्स करते हैं, तो जो है नॉर्मल जो रिएक्शन देखने को मिलता है दोस्तों, सिर्फ थोड़ा सा जो पेट्रोल का कलर था वो जो है चेंज हुआ था, यानी कि टोटल मिला के मैं बोलूँ तो जो है पेट्रोल जीत चुका है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद मज़ा आया हो तो वीडियो को जो है लाइक करके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करना है, ऑल सेलेक्ट करना है, आपको फ्यूचर में ऐसा ही धमाकेदार वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूं भी धमाकेदार एक्सपेरिमेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम, और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा।